डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वी आर स्टार्ट यूनिट 3. आज हम करेंगे यूनिट 3. यूनिट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन तो सबको आता है, ये हम एच की क्लास से करते आ रहे हैं. ओके, अब क्या करोगे? न्यू पेपर लेना आपको यूनिट 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 आप क्या राइट करोगे? एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉलिड. आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन नंबर 1 286 into 125. अब यह सेकंड फ्लोर राइट करके आपको साथ में कर रखें. अरेंज करेंगे. क्या करेंगे? अरेंज 286 वंस टेंस भी राइट कर सकते हैं आप, वंस टेंस और 100. अब यहाँ 5, 4 और 1 मल्टीप्लाई का सिंबल फर्स्ट. यहाँ कौन से मल्टीप्लाई है? 3 डिजिट बाय 3 डिजिट. तो फर्स्ट हम क्या लेंगे? 5. फर्स्ट क्या लेंगे? 5. अब 5 के पास 6 टाइम बोलेंगे 5 6 13. यहाँ 0 और 3. अब आप बॉक्स में राइट कर सकते हो, बॉक्स में तो आप माइंड में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट में आएगा बार बार चेंज होगा, तो इसलिए आप बड़ी क्लास में आ गए हो, माइंड में रखना सीखो. 5 6 30, 30 का 0 एंड 3 अप में. 5 8 40, 40 प्लस 3 43. 3 माइंड में आपको क्या रखना है? 4. 5 2 10, 10 प्लस 4 14. देखो आपको डिजिट बाय डिजिट करना है ताकि आपका रोंग नहीं हो, और हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड सब राइट साइड से होता है. कहाँ से होता है? राइट साइड से. अब आपको देखो फर्स्ट अपने वन कर चुके हैं, अब सेकंड स्टेप में निकले क्या करेंगे? जो फर्स्ट डिजिट आपके आया है, फर्स्ट डिजिट इसके नीचे आपको मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है. आगे पीछे लगाते सब आपके रोंग हो जाएगा ना, तो उसके आगे लगाना है ना इसके पीछे लगाना है. जो फर्स्ट डिजिट है जस्ट उसी के डाउन में. अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 डाउन में 1, अब में रखो या माइंड में रखो. 2 8 16 16 प्लस 1 17 7 एंड 1, अब में 2 4 4 प्लस 1 5. उसे भी कंप्लीट कर चुके हैं. अब क्या अपने पास 1, तो क्या करेंगे? यहाँ 2 मल्टीप्लाई के सिंबल लगेंगे. फर्स्ट तो फर्स्ट लाइन में आ जाएगा, दूसरा यहाँ. अब कॉल करेंगे 1 6 1 8 8 and 1 2 4. अब क्या करेंगे? 3 से कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ क्या कर देंगे? प्लस का सिंबल लगाएंगे. अब इन्हें क्या करेंगे? ऐड करेंगे. यहाँ 0 आएगा, 3 प्लस 2 5 एंड 4 प्लस 7, कितने होते हैं? 4 प्लस 7, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, 11 प्लस 6 17. 7 डाउन में 1, अब पे रखो या आप अपने माइंड में भी रख सकते हो. 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 5 7 एंड 7 प्लस 8 15. 5 डाउन में 1, अब पे 2 प्लस 1 3. आंसर क्या आ रहा है इसका? 35,750. नेक्स्ट 666 into 212 से अरेंज करेंगे. 7 7 6 1 10 100 2 1 2. यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते फर्स्ट हम लेंगे 2 2 7 जब 14 4 डाउन में 1, माइंड में रखो. 2 7 जब 14 14 प्लस 1 15. 5 डाउन में 1, आपने 2 6 जब 12 12 प्लस 1 13. क्या राइट करेंगे यहाँ? 13. फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, 4 के नीचे लगाएंगे मल्टीप्लाई का सिंबल. ओके, अब 1 से करेंगे 1 7 जस 7 1 7 जस 7 एंड 1 6 जा 6. अब 2 मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे. अब 2 से 2 7 जा 14 4 डाउन एंड 1, आप में 2 7 जा 14 14 प्लस 1 15. 5 डाउन एंड 1, आप में 2 6 जा 12 12 1 13. हो चुका है कंप्लीट. अब क्या करेंगे आप? प्लस का सिंबल. अब प्लस का सिंबल लगाया तो ऐड करना है. 4 का 4 डाउन में
5 plus 7 कितने होंगे 12। टू नाउ इन वन अपने रखो या माइंड में 7 plus 3 10, 10 plus 1 11, 11 plus 4 15। फाइंड आउट इन वन अपने 1 plus 1 2 2 plus 6 8, 8 plus 5 कितने होते हैं 13। थ्री डाउन इन वन अपने 3 plus 1 4, एंड यहाँ 1 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा देखो 1 10 13 1 8 43 524। अगर समझ में मल्टीप्लाई कैसे करना है राइट नाउ? यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 637 इनटू 218 अरेंज करेंगे हम 7 3 6 1 10 100 0 8 3। 637 को मल्टीप्लाई करना है किससे 380 से। फर्स्ट हम 0 से करेंगे, 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा। अब ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ ना फर्स्ट से, तब से मैं आपको बताते आ रही हूँ 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो बताए आपको यह क्या आएगा, 0 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाउन में क्या आएगा 0। 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, तो यहाँ पर आई मल्टीप्लाई का सिंबल। नेक्स्ट 8 से भी जा 56, 6 डाउन पे एंड 5 अप में, 8 3 जा 24 plus 5 24 plus 5 26 27 28 29 and 30 नहीं सॉरी 8 3 जा 24 24 में 5 प्लस करेंगे 24 25 26 27 28 and 29। क्या आएगा 29। 9 down में 2 अब में 8 6 48 48 में 2 प्लस करेंगे 48 49 50। ओके अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई के सिंबल 3 से 3 7 जा 21। 1 down में 2 अब में 3 3 जा 9 9 plus 2 11। 1 down में 1 अब में, अब 3 6 जा 18 18 plus 1 19। तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ प्लस का सिंबल 0 0 plus 6 6 9 plus 0 9 9 plus 1 10, एंड 0 एंड 1 अब में 1 plus 1 2, एंड 5 plus 9 5 plus 9 14। 4 डाउन एंड 1 अब में 1 plus 1 2, 2 lakh 42,060। ऐसे एक क्वेश्चन में आपको और करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ना 999 into 400। अरेंज करेंगे हम 999 1 10 100 400 मल्टीप्लाई का सिंबल और 0 से, अभी मैंने आपको बताया था 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया 0 0 एंड 0, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे फिर से 0 से 0 0 0। अब 4 से करना है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे 4 9 जा 36 4 9 जा 36, 6 डाउन में एंड 3 अप में, अब 4 9 जा 36 36 plus 3 37 38 39। 9 डाउन में 3 अप में, अब वापस वही चीज 4 9 जा 36 36 plus 3 39। प्लस का सिंबल 0 0, यह आएगा 6 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99 3 3 8 99
सेंस
राइट डाउन करना है।